Welcome on DC Online platform. I am Sunil Kakde, faculty in mathematics. Now today's session we will see the important questions of NDE from the trigonometry chapter. Iske jo pehle maine video do banaye hai, in the first video important formulas of this trigonometry and second video some important questions of NDE. In this session also we will see some important examples, previous year questions of NDE. So the first example is, what is the value of cos 7x minus cos 3x upon sin 7x minus 2 sin 5x plus sin 3x? Now यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले फॉर्मूलाज, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियोज में सारे फॉर्मूलाज लिखी थी, उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, दैट इज cos c माइनस cos d का फॉर्मूला. देखिए क्या आता है, वो c है, cos c माइनस cos d, कंसीडर दिस c, दिस इज d, दैट इज माइनस 2 टाइम्स sin c प्लस d बाय 2, तो 7x प्लस 3x 10 बाय 2, दैट इज 5x इनटू sin ऑफ 7x माइनस 3x 4x, 4x बाय 2 दैट इज 2x अपॉन, कंसीडर ये वाला टर्म sin 7x एंड sin 3x, कंसीडर द sin c प्लस sin d, दिस वैल्यू एज अ c, दिस वैल्यू एज अ d. sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला sin c प्लस sin d का, 2 टाइम्स sin c प्लस d बाय 2, दैट इज 7x प्लस 3x 10x बाय 2 5x इनटू cos of 7x minus 3x, that is c minus d by 2, तो आएगा 4x by 2, that is 2x minus 2 sin 5x is equal to, देखिए यहां से क्या आएगा common from the denominator, ऊपर minus 2 sin 5x as it is into sin 2x upon, देखो divide में क्या है, 2 sin 5x, 2 sin 5x, लेकिन उसके साथ माइनस साइन भी कॉमन लीजिए, बिकॉज ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, टेक विद द माइनस साइन, माइनस 2 sin 5x एंड 2 sin 5x कॉमन लीजिए, 2 sin 5x इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा माइनस, दैट इज cos 2x. ये देखो 2 sin 5x, 2 sin 5x विद माइनस साइन आल्सो कैंसिल, देखो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, sin 2x upon 1 minus cos 2x का फॉर्मूला, वो आता है 2 sin square x. तो अगेन यहां पर देखो डबल एंगल फॉर्मूला sin 2x का, 2 sin x into cos x upon 2 sin x into sin x, क्या क्या मैंने sin square को sin x into sin x लिखा, 2 2 कैंसिल, sin sin cancel, that is cos by sin is cot x, उसका आंसर क्या आएगा cot x का. ये क्वेश्चन इंडिया की पेपर में पहले आ चुका है, ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन. नाउ द सेकंड एग्जांपल, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस इंडिया की पेपर में आते हैं, तो cot x plus cos x minus 1, cot x minus cos x plus 1. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके पास है न्यूमरेटर का 1 यहां पर दिखाई देगा, न्यूमेरेटर का 1, उसकी जगह पे आपको यूज करना है ये कोसेक एंड कॉट में, आपके पास एक आइडेंटिटी है इसमें कोसेक और कॉट में, देखो कौन सा आइडेंटिटी है, बाय यूजिंग वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी है. देखो यहां से क्या आ जाएगा 1 का वैल्यू, यहां पर ले रहा हूं मैं, तो 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot square x, उसको मैं लिख सकता हूं a square minus b square से, that is cosec x minus cot x into cosec x plus cot x. यहां पर क्या apply किया मैंने, a square minus b square का formula apply किया है. देखो अभी क्या करेंगे, in place of 1 ये values put कर देंगे हम, so is equal to solution of this cot x plus cosec x, पहला टर्म एज इट इज माइनस इन साइड द ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ 1 ये वैल्यूज पुट कर देंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होल डिवाइड में, डिवाइड कर रखना है एज इट इज, को चेंज नहीं करना है. सो कॉट एक्स प्लस माइनस
कोसेक एक्स प्लस वन। देखिए अभी क्या हो जाएगा, फ्रॉम द न्यूमरेटर इफ यू ऑब्जर्व द केयरफुली, ये कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये वाला टर्म कोसेक प्लस कॉट और एक कोसेक प्लस कॉट, टेक द कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, दिया जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉमन लिया न्यूमरेटर से ही, तो इनसाइड द ब्रैकेट देखो क्या बचेगा, यहां पर वन माइनस, ये तो कोसेक प्लस कॉट बाहर आया है, तो यहां पर क्या रहेगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये वन लिखिए पहला तभी चलेगा, वन प्लस का, उसके बाद माइनस का कोसेक एक्स, उसके बाद प्लस का कॉट एक्स। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज आपके पास न्यूमरेटर में क्या रहा था, यहां का वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कोसेक एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, तो इस सेम टर्म यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वन माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, वन माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा रिमेनिंग, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू, कभी कभी आपके इंडी के ऑप्शंस में यहां तक ही उसका आंसर हो सकता है, लेकिन उसके आगे भी सॉल्व होता है, शायद जब ये क्वेश्चन आया था उसके आगे उसको और सॉल्व किया था, इन प्लेस ऑफ कोसेक आप लिख सकते हैं वन बाय साइन एक्स, उसका रेसिप्रोकल है, प्लस कॉट इज नथिंग बट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अभी देखो दोनों का भी सेम है साइन साइन, तो ऊपर आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जब बेस सेम रहता है ऊपर का एडिशन करते हैं हम, तो साइन और वन प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, यहां तक भी आंसर सही है, डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन, आपको थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया सेकेंड एग्जाम्पल का सोल्यूशन। नाउ एग्जाम्पल थर्ड वन, सो टेन ऑफ 105, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने जो सेकंड मेरा वीडियो था सेकंड लेक्चर इसके ऊपर, वहां पर एक क्वेश्चन आया था साइन 15 डिग्री का, तो वहां पर मैंने बताया था आपको ऐसे टेन 15 भी आ सकता है, कॉट 15 आ सकता है, तो वैसे ही 105 साइन में भी आ सकता है, साइन कॉस टेन कॉस सेकेंड कोसेक में, तो यहां पर अभी टेन में आया है, जो मैं प्रोसीजर करूंगा वो सेम प्रोसीजर आपको बाकी में भी करना है एज इट इज, सो देख लीजिए यहां पर केयरफुली क्या करना है, मैं 105 को लिख सकता हूं tan ऑफ 60 प्लस 45, व्हाट इज 60 प्लस 45, दैट इज 105 आ जाता है, सो अप्लाई करेंगे फार्मूला tan a प्लस बी का, कौन सा फार्मूला, कंपाउंड एंगल का फार्मूला tan a प्लस बी, सो व्हाट इज tan a प्लस बी, देखो डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं tan, दिस इज a दिस इज b, सो tan a रहता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a ए 60 प्लस tan b b इज 45 अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू रहता है रूट 3 प्लस 1 tan 45 इज 1 1 माइनस tan 60 इज रूट 3 इनटू tan 45 1, सो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 इन द न्यूमरेटर 1 माइनस रूट 3, कभी कभी आपका आंसर इतना ही हो सकता है लेकिन उसको आगे आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, देखो कैसे, ये मेरे पास टर्म ऑलरेडी आया था उसको करेंगे 1 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस रूट 3 से डिवाइड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 आएगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अपॉन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का 3 इज इक्वल टू, उसको आगे सॉल्व होता है और a प्लस बी का स्क्वायर अप्लाई करें तो देखो क्या आ जाएगा a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर 2 रूट 3 और प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, जब आप 2 कॉमन लेंगे देखो क्या बचता है, ऊपर सपोज आप 2 का टर्म कॉमन लेते हो तो हमारे पास बचेगा 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3, क्या क्या मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया माइनस 2, ये देखो क्या हो जाएगा ये 2 2 गेट कैंसल, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का साइन इन साइड द ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3, डिपेंड्स अपॉन द ये भी सिचुएशन ऑप्शन कैसे है
अब उसका आंसर यहां तक भी सही था, लेकिन जब सपोज ऑप्शन इस तरीके के आते हैं तो उसको आगे आपको रैशनलाइजेशन कर देना है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यूज किया, फर्स्ट क्वेश्चन में सम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज, सेकेंड क्वेश्चन में हमने बाय यूज किया आइडेंटिटी, एंड ये थर्ड क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया कंपाउंड एंगल का, दैट इज टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहां पर मैंने बोला अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो टेक द स्क्रीन शॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज गिवन दैट इफ cos x प्लस cot x इक्वल टू c, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos x, यहां पर कीजिए थीटा नहीं, दैट इज cos x, वेरिएबल x है तो x होना चाहिए, तो cos x प्लस cot x c, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos x। नाउ सी है जो कि तो उससे पहले क्वेश्चन मैंने एक अप्लाई किया था आइडेंटिटी, cos x प्लस cot x का वैल्यू कैसे आएगा, सी है सपोज आपके पास रहता है आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x रहता है, आपको सपोज वैल्यू चाहिए 1 का, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, तो 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा cos x माइनस cot x इंटू cos x प्लस cot x। सो 1 इक्वल्स टू cos x प्लस cot कितना दिया, देखो आपको क्वेश्चन में सपोज एग्जाम इक्वेशन नंबर 1, तो cos x प्लस cot कितना दिया है, c दिया है, तो यहाँ c पुट करेंगे तो आएगा cos x माइनस cot x इंटू c, c से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा cos x माइनस cot x इक्वल्स टू 1 बाय c, इक्वेशन नंबर सेकंड, c से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो देखो एक साथ लिख रहा हूं दोनों में, इक्वेशन ये मेरे पास सेकंड है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है cos x प्लस cot x इक्वल्स टू c, इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट था, सॉल्व करना है इक्वेशन वन एंड टू, cot x प्लस माइनस का कैंसल आउट, cos x प्लस cos x 2 cos x इक्वल्स टू 1 बाय c प्लस c, कितना देखो आएगा 1 बाय c प्लस c इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस c स्क्वायर बाय c आ जाएगा, c इंटू c, c स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा c, तो ये आपके पास 2 cos x का वैल्यू आ रहा है, दैट इज 2 cos x इक्वल्स टू, नाउ सी ये आपके पास आया था cos x प्लस cos x, 2 cos x इज इक्वल टू 1 बाय c प्लस c इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू c, c स्क्वायर अपॉन c नीचे आता है, देखिए 2 cos x इक्वल्स टू 1 प्लस c स्क्वायर बाय c, लेकिन आपको क्या चाहिए, देखो cos x चाहिए, तो मैं cos x से ही फाइंड कर सकता हूं वैल्यू, देखो आगे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू डिवाइड कीजिए 2 से, तो आपके पास आएगा cos x का वैल्यू 1 प्लस c स्क्वायर बाय 2c, लेकिन यहां से मेरे को cos x क्या मिलेगा, sin मिल सकता है, उसका रहता है रेसिप्रोकल, तो हमारे पास sin x आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2c अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर, लेकिन आपको क्या चाहिए cos x चाहिए, क्या चाहिए cos x, तो आपको मालूम है आइडेंटिटी सब ये आपको मिला है sin x का वैल्यू, सो वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, वी रिक्वायर्ड cos x, तो आपके पास cos x का वैल्यू आ जाता है रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज sin x, दिस वन उसका स्क्वायर कीजिए तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर, देखो आगे क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट इनसाइड द रूट 1 प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा उसका स्क्वायर कीजिए तो आएगा 1 प्लस 2 c स्क्वायर प्लस c रेस टू 4 माइनस 4 सी स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, उसको आगे और सॉल्व करेंगे तो cos x आ जाता है देखिए 2 सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर आएगा माइनस का 2 सी स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर दैट इज सी रेज टू 4 माइनस 2 सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाता है रूट में 1, देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस 2 सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर आता है तो माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए दोनों का भी क्या है
स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर नीचे का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, रूट है तो निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। यहां पर थोड़ा देख लीजिए एडजस्टमेंट कर दिया है, तो ये 4c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर तो माइनस 2c स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर का ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 1 माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा है cos x का। ये होगा फर्स्ट का सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 18 into cos 36 डिग्री। तो देखिए उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उसको आप ध्यान में रखिए केयरफुली। स्टैंडर्ड वैल्यूज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, उसको आपको ध्यान में रखना है रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, एंड वैल्यू ऑफ कॉस 36 डिग्रीज रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर, ओनली माइनस का प्लस का डिफरेंस है। ये वैल्यू है साइन 18 का, ये कॉस 36 का वैल्यू है, सो यहां पर पुट कर देंगे दोनों का क्या है यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, सो साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ साइन 18 इज रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर इंटू रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर, दोनों का देखो क्या आ जाएगा, फोर फोर जा 16, ये ऊपर ब्रैकेट पुट कीजिए, सपोज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट फाइव का फाइव, वन का वन, तो आएगा फोर अपॉन 16 दैट इज 1/4, तो सोल्यूशन ऑफ दिस इज 1/4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, इफ साइन ए प्लस बी गिवन 1 एंड साइन ए माइनस बी गिवन 1/2 एंड ए एंड बी दिस टू एंगल्स ए एंड बी बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, मतलब क्या है जो आपका एंगल ए है एंड एंगल बी है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है, मतलब इन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आप कितना आएगा 0 से लेकर पाई 90 तक आ जाएगा, सो फ्रॉम द फर्स्ट वन साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, एंड देखो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास किसका रहता है 1 वैल्यू 90 का रहता है साइन में, तो a प्लस बी आ जाता है 90 दैट इज 90 डिग्री, ये रहता है साइन में 1 का वैल्यू 90 डिग्री का रहता है, एंड आगे देख लीजिए साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, ये किसका रहता है a माइनस बी किसका था 1/2, साइन में किसका 1/2 रहता है 30 का रहता है दैट इज 30 डिग्री। सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट ए प्लस ए 2a इक्वल्स टू ये आ जाएगा 120, 90 प्लस 30 दैट इज 120, तो हमारे पास एंगल ए आ जाता है 60 डिग्री, सो एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो पहला क्वेश्चन क्या था वैल्यू ऑफ ए इन द फर्स्ट 6 में दो क्वेश्चन है डायरेक्शन दिस इज गिवन डायरेक्शन ये आपके पास डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में दो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वैल्यू ऑफ ए तो कितना आ रहा है ए का वैल्यू दैट इज 60 डिग्री आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो ए का वैल्यू 60 आता है तो ये फर्स्ट का भी आंसर हो गया और सेकंड का भी हमारा एक पार्ट हो गया एक बी पार्ट बाकी है, सो पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ए का वैल्यू 60 तो ये आ जाएगा 60 प्लस बी इक्वल्स टू 90 इट इज इंप्लाइज दैट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो कितना आता है बी का वैल्यू 60 यहां पर जाएगा तो माइनस 90 माइनस 60 दैट इज 30, सो सेकंड का आंसर देखो क्या आ जाएगा फर्स्ट का आ गया आपको समझ में ए कितना आया था 60 आया था, बी का देखो ये सेकंड का आंसर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 30 डिग्री कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 कितना रहता है साइन का वैल्यू रूट 3/2 उसका स्क्वायर है माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज रूट 3/2 का रूट 3 का 3 2 का 4 माइनस 1 का और ये 2 का 4 तो आंसर आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 इज द सॉल्यूशन, तो एग्जांपल फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स उसका ये सॉल्यूशन है, टेक द स्क्रीनशॉट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 4 5 एंड 6 का,
In the next video, we'll see the more examples of trigonometry from NDA. So, आज की वीडियो में इतना ही. Okay, thank you.